किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। चने की फसल जब बुआई करके लगभग 30 दिन का हो जाता है तो हमें चने की अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है, जिसे चने का खुटाई कार्य या जिसे टॉपिंग प्रक्रिया कहते हैं। इसे कहीं कहीं निपिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रायः फूल लगने के पहले पौधों के ऊपरी नर्म सिरे तोड़ दिए जाते हैं, जिसे सिरे तोड़ना भी कहते हैं। चने में शीर्ष शाखाएं तोड़ने से पौधों की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है, यानी वह हाइट में बढ़ना बंद कर देते हैं। जब चने के पौधे लगभग 15-20 सेंटीमीटर के ऊंचाई के हो जाएं, तब यह खुटाई यानी निपिंग का कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से पौधों में शाखाएं बहुत अधिक फूटती है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। निपिंग का कार्य कहीं कहीं हाथ से किया जाता है तो कहीं कहीं इसके लिए मशीनों का भी यूज किया जाता है। ऐसा करने से पौधों में शाखाएं अधिक फूटती है, जिसके फलस्वरूप पौधों में फ्लावरिंग बहुत अधिक होता है, यानी फूलों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप फलियां यानी पॉड्स की संख्या भी बढ़ जाती है। इससे हमें दो प्रमुख फायदा होता है। पहला तो यह है कि इसमें फलियों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाता है। और दूसरी, चने की तोड़ी गई शाखाओं पत्तियों को भाजी के रूप में उपयोग किया जा सकता है या इसे मार्केट में भी बेचा जा सकता है। चने की भाजी को अधिकांश स्थानों पर बड़े ही चाव से इसका सब्जी बना के खाया जाता है और चने का उत्पादन भी लगभग 1.5 गुना बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि खाद उर्वरक के बारे में बात करें तो 20 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फुर और 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा को बुआई के समय प्रति हेक्टेयर की दर से यदि दिया जाए तो उत्पादन में निश्चित रूप से बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा चने की फसल में फूल बनने के पहले और फली बनने के पहले यदि 2 सिंचाई कर दी जाती है तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, ज़रूर बताइए। धन्यवाद।